सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे बात करने वाले हैं फीमेल्स की एक ऐसी समस्या के ऊपर जिनसे बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं और ये समस्याएं कई वजहों से होती हैं। समस्या का नाम है अनचाहे बाल, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर स्पेशली ऑन फेस। तो महिलाओं में चेहरे में जो अनचाहे बाल उग जाते हैं, इस केस में हम किन होम्योपैथिक दवाइयों का यूज करके इससे निजात पा सकते हैं? तो आइए दोस्तों जानते हैं हिर्सुटिज्म के बारे में, क्या होता है ये, क्यों हो जाता है और इनमें आपको किस तरह से दवाइयों का उपयोग करना है। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, जो भी मेरे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को टैप कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें जब भी मैं इस तरह का कोई भी नया वीडियो लेकर आती हूँ और आप उसमें मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट होकर इन सभी नॉलेजेस को पा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हिर्सुटिज्म के बारे में। हिर्सुटिज्म क्या होता है? इसका अर्थ है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन अनवांटेड एरियाज, यानी बहुत ज्यादा अनचाहे बाल उगना ऐसी जगहों पर जहां इन्हें नहीं होना चाहिए। फीमेल्स में हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है, महिलाओं में अनचाहे बाल होने की समस्या उन्हें काफी ज्यादा परेशान करती है क्योंकि ये मेल का कैरेक्टर है। मेल्स में दाढ़ी और मूछें उगती हैं लेकिन महिलाओं का फेस एकदम स्मूथ रहता है, उनको कभी भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो हिर्सुटिज्म के केस में क्या होता है, महिलाओं को स्पेशली यहाँ पे चिन वाले एरिया में बहुत ज्यादा दाढ़ी आने लगती है मेल लाइक, कुछ लोगों को यहाँ पे मूछें जैसी दिखाई देने लगती है या गालों पे एकदम स्किन पतली सी रहेगी और बहुत ज्यादा बाल दिखाई देने लगते हैं। ये जो एक्सेसिव हेयर की कंडीशन आ रही है इसे ही हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो कंडीशन है क्यों डेवलप होती है। ये होता है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, मेन कारण है इसका हार्मोनल इम्बैलेंस। फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है और मेल में टेस्टोस्टेरोन। अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा, मेल हार्मोन की मात्रा, मेल एंड्रोजन्स हार्मोन की मात्रा फीमेल में ज्यादा हो जाए तो फीमेल के अंदर मेल लाइक कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं दाढ़ी मूछ का आना, फीमेल के कैरेक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड पीरियड्स का अपीयर होना। सो अगर ये मेल वाला कैरेक्टर ज़्यादा हो गया तो फीमेल के अंदर भी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। दूसरा, पीरियड्स सप्रेस हो जाते हैं, एमिनोरिया या ओलिगोमिनोरिया की प्रॉब्लम रहती है, यानी या तो मेंसेस आ ही नहीं रहे हैं या बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। PCOS का कंप्लेन यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवेरियन ट्यूमर, इस तरह का कोई ना कोई प्रॉब्लम साथ में जरूर होगा, या थायराइड प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस, हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस। सो थायराइड प्रॉब्लम्स में भी ये देखने को मिलता है कि फीमेल में और कहती है कि बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ हो रहा है, स्किन एकदम पतली सी हो गई है। सो ये जो कंडीशंस होती हैं ये हिर्सुटिज्म की कंडीशन बेसिकली आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा इनको करेक्ट कर सकते हैं। कौन सी दवा सबसे ज़्यादा यूज होती है इस कंडीशन में? सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका ओलियम जैक 3X। ओलियम जैक 3X टैबलेट आपको लेनी होती है, दो दो टैबलेट दिन भर में 3 बार आपको चूसनी है डायरेक्टली टंग पे रख के।
नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी CPR-30। बेस्ट मेडिसिन है, फीमेल मेडिसिन है, तो फीमेल में अगर मेल लाइक जो कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देता है उस केस में, सो CPR-30 आप यूज कर सकती हैं। CPR-30 आपको दो दो बूंदे डायरेक्टली टंग पे या छः छः गोलियां चूसने के लिए प्रयोग करनी है। नेक्स्ट आपका मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200। कहीं पर भी आपका डिपोजिशन हो रहा है, बॉडी एकदम बहुत ही अनहेल्दी सी हो रही है, कहीं से भी ग्रो हो रही है, तो ये थूजा आपका बहुत बेस्ट मेडिसिन है ग्लैंड्स पे वर्क करने वाला। थूजा 200 सुबह शाम 6-6 गोलियां आपको लेनी है। अगर इसके साथ साथ पीरियड्स में भी प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बेलेंस के साथ पीरियड्स आपके सप्रेस हैं, नहीं आते टाइम से, तो आपको एक यूट्राइन टॉनिक साथ में लेना है, वो है बायो कॉम्बिनेशन 15, बायो कॉम्बिनेशन 15 यूट्राइन टॉनिक, तो इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 बार, तो ये हार्मोनल इम्बेलेंस को भी करेक्ट करेगा। तो ये आप यूज कर सकते हैं अनचाहे बालों के केसेस में, पीरियड्स एबनॉर्मल होना, आपका कहना चाहिए मेल लाइक कैरेक्टर्स डेवलप होना बॉडी में, उन सब में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। ये मेडिसिन आपको कहाँ मिल जाएंगी? किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे या ऑनलाइन। पहले तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, लिंक दी गई है। दूसरा वेबसाइट www.srihomeocenter.com से जाके ऑर्डर कर सकती हैं। फिर भी ऑर्डर करने नहीं आता है आपको ऑनलाइन, तो आप वेबसाइट के साथ साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकती हैं। व्हाट्सएप है 9305024291। इस नंबर पे जाके अपना ऑर्डर नोट करा के, पेमेंट डिपॉजिट करके और अपना एड्रेस नोट करा के आप इन्हें घर पर भी मंगा सकती हैं। दवाइयाँ चूंकि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है तो थोड़े लंबे समय तक चलती हैं, क्योंकि आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको फीमेल हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, एमिनोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, सिस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसमें प्रॉपरली जो डिजीज है उसकी मेडिसिन आपको लेनी पड़ती हैं, साथ में आप इनको ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम करेक्ट होने में आपको कम से कम, नहीं तो आप 3 महीने मानकर चलिएगा, 3 मंथ का टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। सो ये मिनिमम मैं एक टाइम आपको ऑन एन एवरेज बता दे रही हूँ, तो आपको तब तक दवाइयाँ प्रयोग करनी पड़ेंगी। चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टैप कर लें। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सजेशन लेना चाह रहे हैं तो मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइव मैं आपके लिए रोजाना लेकर आती हूँ, जिसमें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन का सजेशन देती हूँ, तो आप श्री होम्यो को लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं डॉक्टर सत्या अब लेना चाहती हूँ आप लोगों से इजाजत, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।